नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां सड़क निर्माण पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की गहराई इतनी ज्यादा कि प्रधानमंत्री सड़क के लिए 1,70,00,000 रुपए पास हुआ, जिसमें सड़क निर्माण पर 10,00,000 रुपए तक खर्च नहीं किए गए। दरअसल यह मामला रीवा जिले के ग्राम दुआरी का है, जहां के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां सड़क निर्माण के दौरान ना ही बेच डाला गया और ना ही कोई गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल के लिए सड़क बन रही है, लेकिन यह 15 दिन तक नहीं चलेगी। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उन्होंने कई बार CM हेल्पलाइन में शिकायत की और अन्य जगह भी शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ये है कि ये जो रोड बन रही है प्रधानमंत्री के तहत बन रही है, जिसमें 1,70,00,000 रुपए पैसा पास हुआ है, जिसमें से 10,00,000 रुपए का भी काम नहीं हुआ। न सफाई हुई है, न बेस डाला हुआ है, ऊपर से ये गिट्टी में डामर चिपर के पूरा बरोबर किए दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं 5 साल की गारंटी, ये 15 दिन नहीं चलेगी ये रोड। बरसात में ये हालत हो जाती है कि घुटने तक पानी आते हैं, और ये बोलने पे ऑब्जेक्शन उठाने पे दबाव आते हैं, बोलते आप ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हैं। ना रोड तो ठीक है, बनी नहीं रही है, नाली तक नहीं बनी हुई है। ऐसी दैनिक स्थिति है कि नालियों में पानी भरा हुआ है, सबके घर के सामने नालियों में पानी भरा हुआ है। ये दुआरी गाँव है, आज तक यहाँ कोई काम अच्छे से नहीं हुआ। इसकी शिकायत आपने कभी कहीं की है, आवेदन दिया है? अब आवेदन हमने बहुत बार दिया, पर आवेदन का कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमने 181 में भी कॉल किया था, ये जब 7 साल पहले रोड बनी थी तब भी हमने 181 में कॉल किया था। उसी आधार पे वो 7 साल पहले जो रोड बनी थी, कंक्रीट बनी थी, तो वो भी 10 दिन के अलावा नहीं चली थी। क्या चाहते हैं आप लोग? डामर चपकाए हैं, चुपरे हुए हैं, उसके बाद फिर पूरी कहानी खत्म। अब इसमें जैसे बोलते हैं कि ट्रक निकलते हैं, ये बालू की चोरी के चलते ढेकहा में चेकिंग लगती है, तो वहाँ से नल ले जाके बिड़वा सेमरिया या अन्य जगह ले जाते हैं, तो ट्रक यहाँ से लेके जाते हैं, जो कि यहाँ रोड बनने के बाद बोलते हैं कि 10 टन के अलावा ट्रक नहीं निकलना चाहिए, तो 25 टन ट्रक निकलता है यहाँ से। और रोड इतनी चौड़ी है, ये कम से कम इसको 15 फीट से 20 फीट होनी चाहिए, तो ये 6 फीट में डामर डाल रहे हैं, रोड बना रहे हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? हम ये चाहते हैं कि रोड अच्छे से बने, चौड़ीकरण हो और नाली भी बने, विकास होना चाहिए। हर जगह विकास हो रहा है, पर दुआरी में कोई विकास नहीं हो रहा है, समस्या हमारी ये। जब रोड बननी प्रारंभ हुई तो आप लोगों ने किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? ऑब्जेक्शन अब हमने उठाया है, अब अभी तक ऐसा हुआ कि कोई साथ नहीं दे रहा था। अब हम कल गाँव में थे नहीं, गाँव से बाहर थे हम, तो कल हम आए तो देखा हमने कि यहाँ रोड बन रही है, कुछ दूर तक रोड आ गई, तो आज हमने सुबह देखा कि रोड बनना तो चालू हो गया, तो हमने कहा ऑब्जेक्शन उठाएं, देखते हैं क्या होता है। इसलिए मीडिया के उसमें से हम बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, ये राजेंद्र शुक्ला जी का भी इसमें हाथ है। ठेकेदारों को पैसा जो मिला है तो मिला है, वो बोलते हैं कि जितना हमको मिला हम उतने में ही काम करेंगे। ना सांसद जी आज तक कभी इधर देखने आए हैं, ना कोई भी नहीं देखने आया। क्या नाम है? हमारा नाम शिवम द्विवेदी है।